अल्हम्दुलिल्लाह आज एक और पेशी हुई, एक और दिन गुजर गया, आफिया वही उसी हाल में है और हम यहाँ पे हैं और हमारे ब्यूरोक्रेसी अपने अपने एयर कंडीशन कमरों में है। देखिए, दो महीने से हमने NDA नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट दिया हुआ कि हम सिर्फ इस मकसद के लिए ये चीज़ यूज़ करेंगे और आपको आपके साथ मिलकर करेंगे हम ये चीज़। और आज अदालत ने भी कहा कि देखें, ये हम एक दूसरे के मुखालिफ नहीं खड़े हैं, ये वो मुकदमा नहीं है कि तू जीता या मैं जीता, ये विन विन मुकदमा होना चाहिए। उनका मकसद भी आफिया को लाना है, उनका फ़र्ज़ ऐन है, हमारा मकसद भी आफिया को लाना है। अगर हम दोनों मिलकर कोऑपरेट करें, अगर मोफा हमारे साथ कोऑपरेट करे, दाखिला हमारे साथ कोऑपरेट करे, लॉ एंड जस्टिस हमारे साथ कोऑपरेट करे, तो आज हम अदालत के कटहरे में नहीं खड़े होते, हम आफिया को ला के सेलिब्रेट कर रहे होते और इस वक्त आफिया मुल्को कौम के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही होती। और यही अदालत ने आज उनको, मोफा को भी और हमारे भी उसको कहा कि ये आप लोग को इन्होंने डॉक्यूमेंट्स देने हैं और आपने उनको देख के उनको जिस काम के लिए है इस्तेमाल करना है वो करना है। NDA हम 2 महीने पहले दे चुके हैं, अब वो कह रहे हैं उसमें वो कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं, 2 पैराग्राफ्स हैं, उन 2 पैराग्राफ्स को चेंज करने के लिए उनको 6 दिन दरकार है, तो अगले हफ्ते वो हो जाएगा, उसके बाद वो 10 दिन के अंदर अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे हवाले करेंगे, फिर हम देखते हैं कि क्या हवाले किया और क्या नहीं किया। लेकिन आफिया को, हमारा मकसद आफिया को लाना है, हमारा मकसद किसी के भी कोई कम अज़ कम मेरा मकसद किसी किस्म की ना पॉलिटिकल ना फाइनेंशियल ना किसी किस्म की कोई गेन है, ना किसी को रेडी फ्यूल करना, मेरा वतन है, मेरा मुल्क है, अल्लाह सलामत रखे इसको, अल्लाह हमारी कौम को इज्जत और आबरू दे। और जब बेटी आएगी ना तो मैं यकीन से कहती हूँ इंशाल्लाह हमारे हालात भी बेहतर हो। आपने तो करी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो अदालत का शुक्रिया अदा करता हूँ, अदालत जिस तरह दिलचस्पी ले रही है, संजीदगी का मुजाहरा कर रही है, वो डॉक्टर आफिया की केस के लिए भी खुशाइंद है और पाकिस्तानी कौम के लिए भी खुशाइंद है, इस पे मैं अदालत का शुक्रगुजार भी हूँ और अदालत को खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। लेकिन हुकूमत की गैर संजीदगी बिल्कुल वाज़े है, जिसका इजहार डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने किया कि नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट 2 माह पहले 2 पैराग्राफ का हम दे चुके हैं कि भाई जो डॉक्यूमेंट्स मुलाकातों की आप हमें देंगे वो सिर्फ इस मकसद के लिए होगी कि डॉक्टर आफिया को पाकिस्तान लाया जाए और कहीं इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन उसके ऊपर भी उनके एतराज़ात हैं और इसके लिए भी 6 दिन ले लिए गए हैं। तो मैं समझता हूँ ये हुकूमत की गैर संजीदगी है। जो हुकूमत चंद दिनों में रेमंड डेविस को वापस भेज सकती है, जो हुकूमत 20 साल की जंग के लिए 2 बड़ी ममालिक के अंदर मुआहिदा कर सकती है, वो अपनी बेटी को पाकिस्तान क्यों नहीं ला सकती, कैसे नहीं ला सकती अगर वो हुकूमत संजीदा हो। इसलिए डॉक्टर आफिया को पाकिस्तान लाना, उसके लिए इकदामात, उसके लिए हिकमत अमली, उसके लिए मंसूबा, ये तो दूर की बात है। अभी तक तो हुकूमत हमारी 2 पैराग्राफ वाली नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट के ऊपर भी एतराजात लगा रही है कि इसमें हमने ये तब्दीली करनी और ये तब्दीली, और वो दस्तावेजात जो बेजरर दस्तावेजात हैं, जो पाकिस्तान के कौंसलर ने पाकिस्तान की कैद शहरी डॉक्टर आफिया से मुलाकात की है, उसकी रुदात तक देने के लिए तैयार नहीं है। आफिया को लाना, उसके लिए इकदाम करना, उसके लिए मंसूबे बनाना, उसके लिए अमली स्टिप्स उठाना, ये तो दूर की बात है। तो मैं ये समझ कहना चाहता हूँ कि कौम इस चीज़ को समझे, अवाम की ताकत, अवाम की हिमायत, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी के दिल में डॉक्टर आफिया है, डॉक्टर आफिया की मोहब्बत है, इस मोहब्बत को ज़िंदा रखें, डॉक्टर आफिया की बात को ज़िंदा रखें और अब जहाँ भी हैं डॉक्टर आफिया की बात करें, सोशल मीडिया पे डॉक्टर आफिया की मुहिम उठाएं और उसके साथ साथ आप जिस भी प्लेटफॉर्म में हो, जिस भी हैसियत में हो, डॉक्टर आफिया के कास को आगे बढ़ाएं। तो मैं हुकूमत से मुतालिबा करता हूं, दसवस्ता अरस करता हूं कि वो ऐलानात के बजाय, गुफ्तगू के बजाय, अच्छी बातों के बजाय कम अज़ कम कुछ अमली इकदाम करें। उनके पास सिर्फ 1 महीना रह गया है। आप
है कि हम 10 दिन के अंदर अंदर ये रिकॉर्ड जो है वो डॉक्टर फौजिया साहिबा के और उनके क्लाइव समित साहब के हवाले कर देंगे दाखिले खारजा के, और वो उनके हवाले कर दिया जाएगा। अच्छा, ये रिकॉर्ड क्यों अहमियत का हामिल है? आज अदालत ने ये बावर करवाया सेक्रेटरी खारजा को कि ये रिकॉर्ड इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि डॉक्टर आफिया सदीकी जिस कर्ब और अजियत से उस जेल में गुजर रहे हैं, और अदालत के अल्फाज ये थे कि जिस जेल में इस वक्त डॉक्टर आफिया सदीकी हैं वो जानवरों से भी बदतर जेल है, वहाँ जानवरों को भी नहीं रखा जा सकता, और ये चीज़ जो है वो अदालत के सामने रिकॉर्ड पर मौजूद है। तो आप पाकिस्तान हुकूमत का फ़र्ज़ है कि बैन अल-अक़वामी क़वानीन की रोशनी में, इंसानी हकूक़ की रोशनी में, और जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के साथ इतने अरसे में जो सलूक किया गया है, उनकी जो मेडिकल कंडीशन है उसकी रोशनी में ये काउंसलर नोट्स हैं जो बुनियादी तौर पर ममदो मावन साबित होंगे कि जिसके तहत जो है वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को पाकिस्तान लाने का मरला तो बाद का है, उससे पहले कम अज़ कम उसको किसी इंसानी जेल के अंदर मुंतकिल किया जा सके जहाँ बुनियादी इंसानी सहूलियात हों, जो कैदियों के लिए बैन अल-अक़वामी तौर पर जो है हर किसी के लिए लाजिम है। तो इस सूरत हाल के लिए अदालत ने कहा कि कम से कम आप ये रिकॉर्ड फ्राहम करें। अब डॉक्टर फौजिया सदीकी साहिबा ने 4 अगस्त को अमेरिका का विजिट करना है, क्लाइव ने भी वहाँ जाना है, और उनसे उनकी डॉक्टर आफिया सदीकी साहिबा से मुलाकात होगी, और इससे पहले पहले हमें उस रिकॉर्ड की ज़रूरत थी ताकि उससे पहले जब वकला सफ़र करेंगे तो ये रिकॉर्ड उनके पास मौजूद हो और वो उस रिकॉर्ड की रोशनी में जो है वो मजीद तहरुक कर सकें और डॉक्टर आफिया सदीकी की जो मदद हो सकती है, कानूनी मदद जो हो सकती है वो की जा सके। बदकिस्मती से हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अब ये लीतोलाल के ज़रिए जो है आज भी टाइम गेन किया गया है। बहरहाल चूँकि उन्होंने अदालत को यकीन दहानी करा दी है और अदालत के सामने एक स्टेटमेंट दे दी है कि हम 10 दिन के अंदर अंदर वो रिकॉर्ड सारा दे देंगे, हाँ अदालत ने उनको इतनी गुंजाइश ये ज़रूर दी है कि अगर पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए अगर कोई आप ये क्लेम करते हैं कि कोई प्रिविलेज डॉक्यूमेंट है जिसको डिस्क्लोज करना ख़तरनाक है, तो फिर आप अदालत के सामने वो डॉक्यूमेंट लेकर आएंगे और कानून के मुताबिक अदालत उसका जब हम दरख्वास्त देंगे तो उसकी रोशनी में जायजा लेगी कि आया फिर वाकई वो पाकिस्तान की सलासालमियत के लिए कोई ख़तरनाक ऐसा डॉक्यूमेंट हो सकता है। बहरहाल हम नहीं समझते कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट इस केस में ऐसा हो सकता है। पाकिस्तानी काउंसलर्स हैं, पाकिस्तानी काउंसलर्स ने जाके डॉक्टर आफिया सदीकी से अगर उनकी कैद के दौरान मुलाकात की है और उस कैद में जिस कर्ब और अजियत में और जो मेडिकल कंडीशन में वो गुजर रही हैं, अगर उसका हुकूमत पाकिस्तान को मुतला किया है और उसके ऊपर हम जो कोई एक्शन ले सकते हैं कानून के मुताबिक, तो मेरा ख्याल है रियासत पाकिस्तान को इसकी राह में रुकावट नहीं बनना चाहिए। अदालत में यकीनन अच्छी यकीनदानियां करवाई हैं, डॉक्टर फौजिया से मुलाकात के अंदर भी हुकूमत ने बहुत सी यकीनदानियाँ कराई हैं, लेकिन ये यकीनदानियाँ उस वक्त सूदमंद साबित हो सकती हैं जब अल्फाज से हटकर अमल की शक्ल इख्तियार करें और अमली तौर पर कुछ इकदाम किए जाएं। हम इस कोशिश में लगे हैं और इंशाल्लाह अज़ीज़ उम्मीद है कि अब 10 दिन के अंदर अंदर हमें वो डॉक्यूमेंट ज़रूर मुहैया हो जाएंगे। अदालत ने इनको ये भी रिक्वेस्ट की है कि आप कोशिश करें कि कम से कम प्रिविलेज क्लेम करें, बिला वजह बग़ैर ज़रूरत के कोई ऐसा प्रिविलेज क्लेम ना करें, क्योंकि बहरहाल पाकिस्तान के एक शहरी की, पाकिस्तान की एक बेटी की आज़ादी और उसकी जो तकलीफ़ है उसको कम करना ये हमारी तरजीह अवल है। बहुत शुक्रिया जनाब, जज़ाकअल्लाह। आप कर दें थोड़ी सी वेट कर दें। अच्छा,